हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान सरोवर। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक सेल बायोलॉजी में, हम लोग सेल बायोलॉजी की सीरीज चल रही है उसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे एपोप्टोसिस के बारे में, और हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में, और साथ में एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होने वाले प्रोटीन जैसे कि कैस्पेजेस, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एपोप्टोसिस को जानना होगा कि एपोप्टोसिस एक्चुअली में क्या प्रोसेस होता है। एपोप्टोसिस एनर्जी डिपेंडेंट बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो कि प्रोग्राम सेल डेथ होता है। मीन्स कि यहाँ पे सेल की जो डेथ होती है वो प्रोग्राम फॉर्म में होती है, तो इसलिए हम लोग इसको प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पे एपोप्टोसिस वर्ड कहाँ से आया। एपोप्टोसिस वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, एपो और यहाँ पे एपो एंड पिटोसिस है। तो यहाँ पे अगर एपो की बात करें तो एपो का मतलब होता है फ्रॉम, और पिटोसिस का मतलब होता है फॉल ऑफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एपोप्टोसिस फॉल ऑफ फ्रॉम। अब यहाँ पे ट्री लिखा हुआ है, वो इस सेंस में लिखा है कि सपोज कोई बॉडी है और उस बॉडी या कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है, वहाँ से कुछ सेल्स फॉल ऑफ हो रही है, तो इसलिए उसको इस सेंस में यहाँ पे ट्री लिख दिया गया है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन है वहाँ से कुछ सेल्स फॉल ऑफ हो रही हैं, तो इस वजह से उसको बोला गया फॉल ऑफ फ्रॉम ट्री। लेकिन एपोप्टोसिस का लिटरल मीनिंग जो होता है उसका मतलब है फॉल ऑफ फ्रॉम। तो अभी आपको क्या समझ में आया कि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है, एनर्जी डिपेंडेंट होती है, और इसका मीनिंग क्या है फॉल ऑफ फ्रॉम। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है इज एपोप्टोसिस गुड। तो अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आप सभी यही बोलेंगे कि हाँ एपोप्टोसिस बेनिफिशियल होती है। क्यों बेनिफिशियल होती है, एडवांटेज होता है, ये एक गुड थिंग है, एपोप्टोसिस इज अ गुड थिंग। हाँ, किस सेंस में गुड थिंग है, क्योंकि सपोज कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते हैं, सपोज ये हमारे फिंगर्स का डेवलपमेंट हुआ है किसी एक टाइम पे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम हर जो डेवलपमेंट होता है हर मीन्स एनिमल की अगर हम लोग बात करें तो वो जायगोट के फॉर्म में था, जहाँ पे मास ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है जब हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जैसे कि ब्लास्टुला गैस्टुला, फिर किस तरीके से डेवलपमेंट होते होते एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह का अगर इतने नंबर ऑफ मास ऑफ सेल्स हैं और उसमें एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट उसके बॉडी पार्ट बन रहे हैं, तो वो किस तरीके से बन रहे हैं, एपोप्टोसिस के थ्रू बन रहे हैं। क्योंकि इनिशियली बहुत सारे सेल्स रिक्रूट होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम, बट धीरे धीरे वो डिफरेंशिएट होते हैं पर्टिकुलर में, और कुछ सेल्स को मीन्स डेथ कर दिया जाता है प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो उसको हम लोग एपोप्टोसिस बोलते हैं। अब जैसा कि हमने बोला इज एपोप्टोसिस इज गुड थिंग, यस इट इज अ गुड थिंग, बट दिस एपोप्टोसिस, इफ दिस एपोप्टोसिस टू लिटिल, अगर ये बहुत कम हो, इफ एपोप्टोसिस इज टू लिटिल इट बिकम बैड थिंग इन केस ऑफ कैंसर। अगर हम लोग कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर में एक्चुअली में क्या होता है, एपोप्टोसिस कम होती है, इसीलिए कैंसरस सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो दिस गुड थिंग इफ इट इज टू लिटिल इट बिकम अ बैड थिंग। तो अगर हम लोग एपोप्टोसिस को कैंसर के फॉर्म में बात करते हैं, हम आगे बताएंगे कि ऐसा क्या हो जाता है कि कैंसर सेल्स में एपोप्टोसिस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। सपोज कि एक अनवांटेड सेल्स हैं ट्यूमर भी, और अगर उनको अनवांटेड है तो उनको इस बॉडी प्रोग्रामिंग करके उनको सेल्स को उनको रिमूव कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, एपोप्टोसिस वहाँ पर नहीं हो पाता है। कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इफ दिस गुड थिंग इज लो और लिटिल देन इट बिकम अ डेंजरस थिंग्स, मीन्स कि कैंसर सेल्स एपोप्टोसिस नहीं कर पाते। अगर दिस गुड थिंग टू मच, अगर ये गुड थिंग जो है मीन्स कि जो ये एपोप्टोसिस है ये अगर बहुत ज़्यादा हो तो क्या कहीं हार्मफुल हो सकता है, वो बैड थिंग हो सकती है किस जगह पे, अगर हम लोग एचआईवी की बात करें, है ना, एचआईवी जो एड्स कॉज करता है, तो ये क्या होता है इम्यून रिस्पॉन्स में यहाँ पे वीक पड़ जाते हैं, और ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ पे इन सेल्स में जो इम्यून सेल्स होती वहाँ पे एपोप्टोसिस बहुत ज़्यादा होता है। तो दिस गुड थिंग इफ इट इज लिटिल देन इट
इट इज विच काइंड ऑफ सेल्स, कैंसर सेल्स, और अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो जैसे कि HIV सेल्स होते हैं वहाँ पे ये बैड थिंग हो सकता है। तो एपोप्टोसिस वैसे तो बेनिफिशियल है, एडवांटेजियस है, बट कुछ केसेस में अगर कैंसर सेल्स में अगर ये एपोप्टोसिस कम होता है तो वहाँ पे हार्मफुल है, और अगर हम लोग HIV की बात करें तो वहाँ पे ये एपोप्टोसिस बहुत ज़्यादा होता है, CD4 आपको बताएंगे हम आगे, तो वहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि HIV के पेशेंट में क्या होता है कि जो इम्यून सेल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी एपोप्टोसिस में होता है। तो इस तरीके से ये एपोप्टोसिस की हम लोगों ने बात की। अब एपोप्टोसिस में क्या क्या बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं वो हम अभी आपको आगे बताने वाले हैं, बट इसके साथ साथ यहाँ पे क्या क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल और एंड बायोकेमिकल दोनों ही चेंजेस होते हैं, क्योंकि एक्चुअली में एपोप्टोसिस होने के लिए एपोप्टोटिक सेल्स बनते हैं, मीन्स की सेल्स जो होती है एपोप्टोटिक सेल्स जो जिसका एपोप्टोसिस होना है वो एक पर्टिकुलर एपोप्टोटिक बॉडीज बनाता है, तो इसलिए उसमें क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और बायोकेमिकल चेंजेस दोनों ही होते हैं जिस सेल को एपोप्टोसिस करना होता है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें कि क्या क्या ऐसे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो जैसे कि सेल श्रिंकेज, यहाँ पे सेल श्रिंकेज लिखा है, ये पिकनोसिस नहीं होगा, यहाँ पे पिकनोसिस में होता है DNA कंडेंसेशन, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रोमैटिन कंडेंसेशन, ये होता है पिकनोसिस। तो सेल श्रिंकेज होता है, सेल कॉम्पैक्शन, सेल कॉम्पैक्ट होती है, मेम्ब्रेन ब्लेव करती, ब्लेव का मतलब ये है कि मान लीजिए सपोज कोई ये सेल है और इस तरीके से रिज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही, तो इसको ब्लेविंग बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन सेल क्या करती, ब्लेव होती है। क्रोमैटिन कंडेंसेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिकनोसिस बोलते हैं। आपको याद रखना है कुछ ये वर्ड्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है कि क्रोमैटिन कंडेंसेशन का मतलब होता है पिकनोसिस, इस वर्ड को बोला जाता है पिकनोसिस। DNA फ्रेगमेंटेशन होता है और एपोप्टोटिक बॉडी बनती है अल्टीमेटली, और इस तरीके से एपोप्टोसिस हो जाता है। तो एपोप्टोसिस के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती है, अगर हम लोग मॉर्फोलॉजिकल बात करें तो सेल श्रिंक करती है, सेल के जो क्रोमैटिन होते हैं वो कंडेंस होते हैं, सेल कॉम्पैक्ट होती है, ब्लेबिंग होती है, इसके बाद फिर DNA फ्रेगमेंट या न्यूक्लियर का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है और एपोप्टोटिक बॉडी बनती है, और इसके बाद एपोप्टोसिस हो जाती है फैगोसाइटोसिस के थ्रू। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सेल को कैसे पता कि उसको भी एपोप्टोसिस करना है, तो जैसा आपको पता है कि मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लीफलेट होते हैं, आउटर लीफलेट और इनर लीफलेट, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, आउटर लीफलेट और इनर लीफलेट। तो अगर हम लोग यहाँ पे आउटर लीफलेट की बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं, आउटर लीफलेट में क्या होता है, फॉस्फोटाइडिल, यहाँ पे कोलीन और स्फिंगोमाइलिन होता है, ठीक है, फॉस्फोटाइडिल कोलीन एंड स्फिंगोमाइलिन। और इनर की बात करें तो फॉस्फोटाइडिल सीरीन, ये फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, फॉस्फोटाइडिल सीरीन और फॉस्फोटाइडिल इथिलामीन और फॉस्फोटाइडिल इनोसिटॉल दोनों ही लीफलेट में पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो आउटर लीफलेट में जो फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, फॉस्फोटाइडिल कोलीन और स्फिंगोमाइलिन पाया जाता है, इनर लीफलेट में पाया जाता है फॉस्फोटाइडिल सीरीन और इथिलामीन। अब इसके बाद जो ये फॉस्फोटाइडिल सीरीन है, एक्चुअली में क्योंकि सीरीन इसके पास एक OH ग्रुप है, अमाइनो एसिड है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या एक नेगेटिविटी, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब ये जो इसलिए ये इनर साइड में, जैसा आपको पता है ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करता है सेल के अंदर, आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो कहीं ना कहीं इसका कंट्रीब्यूशन होता है नेगेटिव चार्ज में। अब इसके बाद तो क्या होता है कि जिस समय सेल को एपोप्टोसिस करनी होती है, ये जो फॉस्फोटाइडिल सीरीन होते हैं फॉस्फोलिपिड, ये फ्लिप मूवमेंट के थ्रू यहाँ पे आउटर लीफलेट में आ जाते हैं, इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट में आ जाते हैं, और वो अपने आप को टैग करते हैं कि भाई मुझे एपोप्टोसिस होनी है, मेरे में एपोप्टोसिस करना है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था नेगेटिव चार्ज फॉस्फोटाइडिल सीरीन फ्लिप टू आउटर लीफलेट सर्व एज मार्कर, क्योंकि देखिए
सेल्स हैं, सेल में किसको एपोप्टोसिस होना है, तो उसके लिए क्योंकि सेल तो सभी हैं वहां पे, जिन सेल्स को एपोप्टोसिस होना है तो वो अपने कैसे मार्क करेंगे अपने आप को कि उन्हें एपोप्टोसिस करना है, तो उनके जो इनर लीफलेट में फॉस्फोटाइड्रिल सीरीन होता है वो आउटर लीफलेट में चला जाता है, और जब वो आउटर लीफलेट में जाता है तो वो अपने आप को मार्क कर देता है कि मुझे एपोप्टोसिस, मतलब मुझे एपोप्टोसिस, मेरी डेथ होनी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जब फॉस्फोटाइड्रिल सीरीन आउटर लीफलेट में चला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइट फ्लैग ऑफ सरेंडर, क्योंकि सेल अपने आप को सरेंडर करती है कि भाई मुझे मरना है। और ये जो मींस की जो ये फॉस्फोटाइड्रिल सीरीन होते हैं ये जाके एक एनेक्सिन मॉलिक्यूल से बाइंड कर लेते हैं। अब एनेक्सिन क्या होते हैं, एनेक्सिन एक तरीके से साइटोसोलिक प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एनेक्सिन ऐसे भी होते हैं जो कि सेल के बाहर पाए जाते हैं, जैसे कि आरबीसी या ब्लड सेल्स होते हैं वहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फूड में भी एनेक्सिन पाए जाते हैं जैसे कि एनेक्सिन ए। तो ये क्या करते हैं, इनसे ये फॉस्फोटाइड्रिल सीरीन बाइंड कर लेते हैं। तो ये एक तरीके से फिर ये क्या देते हैं, सिग्नल देते हैं अपने नेबरिंग सेल्स को कि भाई हमें फैगोसाइटोस होना है, तो मैक्रोफेजेस के थ्रू फैगोसाइटोसिस हो जाता है। तो अभी तक इतना आपको एपोप्टोसिस के बारे में आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्या क्या चीज़ें समझ में आई कि एपोप्टोसिस में मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं और ये एक एनर्जी डिपेंडेंट पाथवे है। दूसरी, इसमें क्या क्या चीज़ होती है, सेल श्रिंक करती है, कॉम्पैक्ट करती है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन होता है जिसको हम लोग पिकनोसिस बोलते हैं, फिर डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होता है, फिर एपोप्टोटिक बॉडी बनती है और इसके बाद फैगोसाइटोसिस के थ्रू उसको मींस फैगोसाइटोस कर दिया जाता है मैक्रोफेजेस के थ्रू। तो अब इसके बाद ये अपने आप को टैग कैसे करती है, मार्क कैसे करती है कि इनको एपोप्टोसिस होना, इनकी डेथ होनी है, तो ये अपने जो सेल में या जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन के जो इनर लीफलेट में फॉस्फोटाइड्रिल सीरीन होता है उसको आउटर लीफलेट में ले आते हैं और एनेक्सिन से, एनेक्सिन एक मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन होती है, उससे अपने आप को कनेक्ट कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं और अपने आप को मार्क करते हैं कि उनकी डेथ होनी है, कि उस सेल की एपोप्टोसिस होनी है और मैक्रोफेजेस उसको पहचान के उसकी डेथ कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एपोप्टोसिस का एक प्रोसेस है। अब अगर हम लोग बात करें, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंस क्या होता है। दोनों ही केस में सेल की डेथ होती है, सेल मरती है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर हम लोग एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले अगर हम एपोप्टोसिस की बात करें तो इंट्रासेलुलर डेथ प्रोग्राम, एपोप्टोसिस क्या है, इंट्रासेलुलर डेथ प्रोग्राम है। यहां पे इंटरनली सेल को ये सिग्नल मिलता है कि इसको डेथ करना है, और एपोप्टोसिस के केस में पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों तरीके से एपोप्टोसिस हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, इंट्रासेलुलर डेथ प्रोग्राम है ये तो समझ में आ रहा है कि इंटरनली कोई सिग्नल मिलता है कि सेल को डेथ करनी है। पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल क्या, फिजियोलॉजिकल मींस कि जैसे मान लीजिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो उस समय एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है कि भाई यहां से इन सेल्स को हटाना है, या एजिंग हो गई है, ओल्ड हो गई है सेल, तो उस समय क्या है कि वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। पैथोलॉजिकल प्रोसेस की कोई नॉक्सियस एजेंट आ गया है जिसकी वजह से सेल में प्रॉब्लम है, सेल को डेथ करनी पड़ रही है, तो ऐसे केसेस को पैथोलॉजिकल मतलब पैथोलॉजिकल मतलब फॉर्म कहेंगे, या पैथोलॉजिकल वजह से ये डेथ होनी है। अब इसके बाद अगर हम नेक्रोसिस की बात करें तो नेक्रोसिस में क्या होता है, यहाँ पे एपोप्टोसिस में कोई इंजरी नहीं होती है सेल को, ऐसा नहीं है कि कोई इंजरी हो गई जिसकी वजह से उसको डेथ करना पड़ रहा है, लेकिन नेक्रोसिस में क्या होता है, सेल डेथ होती आफ्टर लीथल इंजरी। अगर किसी सेल को बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई है तो उसको डेथ करना पड़ेगा, लीथल मतलब इंजरी के बाद उसको खुद की डेथ करना पड़ता है, या नेक्रोसिस का प्रोसेस हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेक्रोसिस, और ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है, और इसीलिए इसको बोला जाता है पैथोलॉजिकल, मीन्स कि कोई डिजीज कॉज हो गई, कोई बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जिससे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि नेक्रोसिस कॉज करा रहे हैं, कोई एजेंट है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एपोप्टोसिस में फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल दोनों रीजन हो सकते हैं, लेकिन नेक्रोसिस में सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजिकल रीजन होता है। अब हम लोग बहुत ही इनके दोनों के सिम्टम्स या किस तरीके के इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बेसिस पर हम लोग एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंस देख लेते हैं। तो जैसे एपोप्टोसिस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इंटैक्ट सेल मेम्ब्रेन, इंटैक्ट सेल मेम्ब्रेन रहती है, सेल श्रिंकेज होता है,
इसके बाद क्रोमैटिन कंडेंसेशन जिसको हम लोग पिक्नोसिस बोलते हैं, न्यूक्लियर डिग्रेडेशन जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियर हेक्सिस, है ना, इसको बोलते हैं कैरियर हेक्सिस। तो ये आपको टर्मिनोलॉजीज याद करनी पड़ेंगी। जब क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पिक्नोसिस, और जब न्यूक्लियर या डीएनए का डिग्रेडेशन हो रहा है, ब्रेकेज हो रहा है, टूट रहा है, तो उस समय हम उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोहेक्सिस, ठीक है। और इसके बाद ऑर्गेनल ब्रेकेज होता है, ऑर्गन्स का ब्रेकेज होता है, एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं, और इसके बाद एपोप्टोटिक बॉडीज के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, मींस कि छोटे छोटे बॉडीज बन जाते हैं, एक ही सेल से कई सारे सेल्स एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं बडिंग के थ्रू, एक प्रोसेस होता है बडिंग, उस प्रोसेस के थ्रू एपोप्टोटिक बॉडी बनती है, उनके अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है, और इसके बाद वो फैगोसाइटोस हो जाते हैं। और इन तरह के प्रोसेस में, मतलब एपोप्टोसिस में, कोई इन्फ्लामेशन कॉज नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग नेक्रोसिस की बात करें तो यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन का डिस्ट्रप्शन होगा। यहाँ पे इंटैक्ट थी सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या हो रही है कि सेल मेम्ब्रेन का डिस्ट्रप्शन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, यहाँ पे मीन्स की सेल स्वेल कर रही है, और यहाँ पे पिक्नोसिस मतलब कि क्रोमैटिन कंडेंसेशन, कैरियोहेक्सिस मीन्स की न्यूक्लियर डिग्रेडेशन तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ पे एक एडिशनल प्रोसेस है जिसको बोलते हैं कैरियोलिसिस। कैरियोलिसिस का मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ मीन्स साइटोसोल और न्यूक्लियर, मीन्स की क्रोमैटिन इनका सबका डिसोल्यूशन हो जाता है, उसको बोलते हैं कैरियोलिसिस। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन जैसी चीज नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे जो एपोप्टोटिक बॉडी बन रही है उनके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली एक तरीके से धीरे धीरे करके डिसोल्यूशन हो जाता है क्रोमैटिन का और साइटोप्लाज्म का। यहाँ पे कोई, जैसे यहाँ पे एपोप्टिक बॉडी बन रही थी, एपोप्टोटिक बॉडीज बन रही थी, यहाँ पे कोई वेसिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेल लिसिस, सेल की लिसिस होती है, जब लिसिस होगी तो इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगा, इन्फ्लेमेशन कॉज होगा, बट ये प्रोसेस एनर्जी इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, एपोप्टोसिस में एनर्जी की जरूरत होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मीन्स कि जब साइटोप्लाज्म इन्फ्लेमेशन कॉज होगा तो क्या होगा कि साइटोप्लाज्म पूरा रिलीज हो जाएगा, डिस्चार्ज साइटोप्लाज्म हो जाएगा, और इस तरीके से इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि देख लेते हैं, यहाँ पे हम सपोज कि कोई सेल है और इस सेल को एक है प्रोसेस एपोप्टोसिस और दूसरा है नेक्रोसिस। तो अगर हम लोग यहाँ पे एपोप्टोसिस की बात करें तो पहले सेल में ब्लेबिंग होती है, इस तरीके से ब्लेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ये रिजेस निकलती हैं, फिर बाद में धीरे धीरे क्या होती है कि ये जो ब्लेबिंग दिख रही है धीरे धीरे करके ये सेल श्रिंकेज करेगी, सेल श्रिंक करती है, ब्लेबिंग करती है, और अल्टीमेटली छोटे छोटे इस तरीके से एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाते हैं, और इसके बाद उनको फैगोसाइटोस कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें नेक्रोसिस की, तो इस केस में क्या होता है, पहले हल्का सा ब्लेबिंग होता है, इसके बाद फिर सेल स्वेल करती है, और स्वेल करने के बाद फिर क्या हो जाता है, सेल धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ पे डिसोल्यूशन होता है, मीन्स कि ये सेल में इन्फ्लेमेशन हो गया, और इन्फ्लेमेशन के बाद फिर ये सेल्स क्या होती है, कम्प्लीटली इसकी लिसिस हो जाती है। तो इस तरीके से ये होता है नेक्रोसिस का प्रोसेस और ये होता है एपोप्टोसिस का प्रोसेस। तो आई थिंक अभी इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे एक चीज़ हम और आपको मेंशन करना चाहेंगे कि जो एपोप्टोसिस होती है, एक होती है जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है, मतलब अगर हम लोग प्रोग्राम सेल डेथ की बात करें तो एक होती है एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ, एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है, जिसमें जैसे ये हमने एपोप्टोसिस की बात करी, तो एक होता है एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ, और एक होता है नॉन एपोप्टोटिक, मतलब प्रोग्राम सेल डेथ है नॉन एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। तो एक होती है एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ, जिसमें कि एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं,
दूसरा होता है नॉन एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ। तो इसमें तो जो ये है, ये जो कैस्पेसिस के थ्रू होता है, ये हम अभी आपको ये इसका तो डिस्कशन करेंगे। जो नॉन एपोप्टोटिक होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोफैगी। उसको क्या बोलते हैं? ऑटोफैगी। ये आपको याद रखना है कि नॉन एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ, जैसे नेक्रोसिस हमने इसको नहीं कह सकते हैं, या इसको बोलते हैं या फिर एक और प्रोसेस होता है नेक्रोप्टोसिस। ठीक है, दो प्रोसेस होते हैं, एक ऑटोफैगी और दूसरा नेक्रोप्टोसिस जो होते हैं। ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं ये कैसे होते हैं? नॉन एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ है। मींस कि प्रोग्राम सेल डेथ तो है, यहाँ भी रेगुलेटेड प्रोग्राम सेल डेथ है। सपोज कि यहाँ पे क्या है कि एक रेगुलेटेड फॉर्म में सेल डेथ होती है, इसलिए इसको प्रोग्राम सेल डेथ में ही रखा गया, ऑटोफैगी और नेक्रोप्टोसिस को। लेकिन ये और एपोप्टोटिक बॉडी मीन्स कि इस प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरती है। लेकिन डेथ कैसी होती है? प्रोग्रामिंग के थ्रू होती है, रेगुलेटेड प्रोग्रामिंग होती है, जिसकी वजह से रेगुलेटेड डेथ होती है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं। तो अभी आपको क्या समझना कि प्रोग्राम सेल डेथ भी दो तरह की होती है, एक एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ और एक नॉन एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ। हाँ, तो अगर हम लोग एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ की बात करें तो इसमें कौन होता है? इसमें जो हम लोग अभी बात करने वाले हैं कैस्पेसिस के थ्रू होता है, और दूसरा जो नॉन एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ होता है उसमें ऑटोफैगी और नेक्रोप्टोसिस आता है, जिसमें कि रेगुलेटेड डेथ होती है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाउ इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस, क्योंकि हम लोग एपोप्टोसिस की बात करें। देखिए, अभी हम लोगों ने एपोप्टोसिस की बात कर ली, नेक्रोसिस एपोप्टोसिस में डिफरेंस क्या है उसकी बात कर ली, एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ और नॉन एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ किसको कहा जाता है उसके बारे में डिस्कशन किया। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं एपोप्टोसिस के बारे में कि प्रोग्राम जो ये एपोप्टोसिस है वो कैसे कॉज होता है, क्या सिग्नल्स मिलते हैं जिससे एपोप्टोसिस इंड्यूस होता है। तो कुछ पॉजिटिव सिग्नल होते हैं। अगर हम लोग पॉजिटिव सिग्नल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं नीडेड फॉर सेल सर्वाइवल, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर और इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होते हैं? साइटोकाइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो कि इम्यून रिस्पांस में काम करते हैं, और ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। किसका रेगुलेशन करते हैं? IL-2 WBC का। तो मीन्स कि अगर कोई सेल को एपोप्टोसिस, जैसा हमने बताया कि सिर्फ सेल डेथ तो है, लेकिन कभी कभी सेल को अपने उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी एपोप्टोसिस करना होता है। सेल अपना तो सेक्रीफाइस करती है एक तरीके से। एपोप्टोसिस क्या होता है? सुसाइड होता है। और नेक्रोसिस क्या होता है? मर्डर होता है। मीन्स कि उसका वो मर्डर होता है उसका, क्योंकि कोई डिजीज कॉज हुई उसकी वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज हुआ और वो मर्डर होता है। तो एपोप्टोसिस एक तरीके का सुसाइड है। तो वो सुसाइड या अपना सेक्रीफाइस क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करके रखना है। तो कुछ ऐसे कोई ऐसी एडवर्स कंडीशन आई तो उस समय भी सेल अपने आप को एपोप्टोसिस कर सकता है। तो मान लीजिए कि या तो कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिलेंगे, जैसे कि सेल सर्वाइवल का अगर सिग्नल मिल रहा है कि सेल को सर्वाइव करना है, मींस कि उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है, तो ग्रोथ फैक्टर का सिग्नल मिलेगा या IL-2 का सिग्नल मिलेगा, इंटरल्यूकिन 2 का सिग्नल मिलेगा। इंटरल्यूकिन 2 क्या होता है? साइटोकाइन सिग्नलिंग शो करते हैं, ये WBC में रेगुलेशन करते हैं। और कुछ नेगेटिव सिग्नल्स होते हैं। नेगेटिव सिग्नल्स में जैसे कि ऑक्सीडेंट, कोई ऐसा ऑक्सीडेंट आ गया या कोई डैमेज हो गया DNA में, या कोई प्रोटीन मिसफोल्डेड हो गई, तो ऐसे भी केस में एपोप्टोसिस हो सकता है। तो ये क्या होते हैं? नेगेटिव सिग्नल्स होते हैं। तो कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स होते हैं, कुछ नेगेटिव सिग्नल्स होते हैं जिसकी वजह से एपोप्टोसिस इंड्यूस होता है। पॉजिटिव सिग्नल्स में ग्रोथ फैक्टर्स होता है, IL-2 हो सकता है। और नेगेटिव सिग्नल्स में अगर कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया है, डैमेज हो गया है DNA में, मिसफोल्डेड प्रोटीन हो गई है, तो ऐसे केस में नेगेटिव सिग्नल्स मिलते हैं एपोप्टोसिस करने के लिए। अब अगर हम लोग एपोप्टोसिस की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जो अगर हम लोग ग्रोथ फैक्टर की बात करते हैं तो TNF-alpha एक रिसेप्टर होता है जिसका एक लीगेंड होता है FAS-L, इसके बारे में अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, सरफेस पे पाया जाता है, जिसके थ्रू ये एपोप्टोसिस भी इंड्यूस कर सकता है। इसके थ्रू भी एपोप्टोसिस इंड्यूस हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अच्छा,
एपोप्टोसिस की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों जरूरत है एपोप्टोसिस होना। वैसे तो आप लोग जानते हैं डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट होते हैं जिनको रिमूव करने की जरूरत होती है, इसलिए एपोप्टोसिस की जरूरत होती है। तो ऐसे प्रोसेस सोनिक हेजॉग एक पाथवे होता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अक्सर पढ़ते हैं लोग, सोनिक हेजॉग पाथवे के थ्रू ये चलता है। तो वहां पे जितनी भी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जैसे आपको पता है कि जब जायगोट बनता है, जायगोट से मास ऑफ सेल्स बनते हैं और फिर अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल क्रिएट होता है जिसका प्रॉपर आर्म होता है, हर चीज उसका एक डेफिनेट फॉर्म में बना होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है एपोप्टोसिस के थ्रू, कि कहाँ पे किन पार्ट्स को हटाना है, किन सेल्स को हटाना है, किन सेल्स को रिक्रूट करना है जब इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सब करने के लिए बहुत सारे पाथवेज होते हैं, तो उसमें से एक सोनिक हेजॉग पाथवे भी होता है जिसके थ्रू ऐसा चीजें पॉसिबल हैं। तो एपोप्टोसिस एम्ब्रियोजेनेसिस मींस कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम, मेटामॉर्फोसिस के टाइम, या फिर एजिंग, अगर कोई सेल ओल्ड हो चुकी है तो ओल्डनेस की वजह से भी एपोप्टोसिस हो सकती है। तो ये सारी तो चीजें बेनिफिशियल ही हैं, एपोप्टोसिस होना मतलब एक बेनिफिट वाली चीज है। लेकिन किस कहां पे ये एपोप्टोसिस अगर कम होती है, ये जब अगर कम होती कहां पे कैंसर सेल्स में अगर ये कम होती है तो वहां पे कैंसर कॉज हो जाता है, या फिर अगर एपोप्टोसिस ज्यादा हो गई एचआईवी जो पेशेंट सफरिंग है जिनको एचआईवी का, तो उनमें क्या होता है कि एपोप्टोसिस ज्यादा होने की वजह से इम्यून सेल्स जो है वो जल्दी जल्दी एपोप्टोसिस उनमें हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोजेनेसिस या मेटामॉर्फोसिस के केसेस में, या फिर एजिंग हो गई ओल्ड, मतलब कि सेल ओल्ड हो गई तो उस समय एपोप्टोसिस हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग वायरस इन्फेक्शन हो जाए, कोई डिजीज कॉज हो जाए, कोई इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा हो जाए जिसकी वजह से एपोप्टोसिस करना पड़ सकता है, और अगर डीएनए में बहुत सारा इंजरी हो गया है तो ऐसे केस में भी एपोप्टोसिस की जरूरत पड़ती है। तो ये एपोप्टोसिस एक बेनिफिशियल प्रोसेस है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कितने टाइप के एपोप्टोसिस होते हैं। तो अगर हम लोग एपोप्टोसिस मैकेनिज्म की बात करें तो एक होते हैं कैस्पेज डिपेंडेंट और दूसरे होते हैं कैस्पेज इंडिपेंडेंट। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा जितना भी एपोप्टोसिस पूछा जाता है वो कैस्पेज डिपेंडेंट पे पूछा जाता है, और उसमें दो पाथवेज होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है जिसको हम लोग डेथ पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि एक एक्सटर्नल डेथ मीन्स रिसेप्टर होता है, लिगेंड डेथ रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है इसलिए इसको एक्सट्रिंसिक पाथवे बोला जाता है। दूसरा पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे होता है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे बोलते हैं। तो हम लोग अभी जो भी नेक्स्ट इसके सीरीज में हम लोग जो भी लेक्चर देखेंगे वहां पे हम लोग इन्हीं दोनों पाथवेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब सबसे पहले कि जैसा हमने बताया कि कैस्पेज, अब ये कैस्पेज क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें जान चुके होंगे और फिर जब हम इन पाथवेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें बहुत बेहतर से चीज़ें समझ में आएंगी। तो कैस्पेज क्या होता है, कैस्पेज एक तरीके के कैस्पेज के पास क्या होता है, प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी होती है, मीन्स कि क्लीवेज करते हैं पर्टिकुलर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल का, इस तरह के अदर मॉलिक्यूल का, तो क्या होता है प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी होती है कैस्पेजेस का। कैस्पेजेस का नाम जो है वो क्यों रखा गया, क्योंकि ये होते हैं सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज, है ना। तो ये क्या है, सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज, और जो प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी शो करते हैं जैसा हमने बताया, ये कोई भी कैस्पेज जब सिंथेसाइज होते हैं तो वो किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव प्रोकैस्पेज के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होते हैं, इनएक्टिव प्रोकैस्पेज के फॉर्म में होते हैं। तो कैस्पेज एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है एपोप्टोसिस करने के लिए, चाहे वो इंट्रिंसिक पाथवे हो और चाहे वो इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक कोई भी पाथवे हो, वहां पे कैस्पेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब कैस्पेज जब सिंथेसाइज होते हैं, कैस्पेज होते हैं क्या, प्रोटीएजेस होते हैं, कैसे प्रोटीएजेस, सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज, मींस कि इनमें प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी होती है, और जब ये सिंथेसाइज होते हैं तो ये इनएक्टिव प्रोकैस्पेजेस के फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव प्रोकैस्पेज के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब इनको काम करना होता है तो ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं और प्रोकैस्पेजेस से कैस्पेजेस में चेंज हो जाते हैं। तो इसमें बेसिकली अगर हम किसी भी कैस्पेज की बात करें तो ऐसा होता है, कैस्पेज के पास एक स्मॉल सब यूनिट होती है और एक लार्ज सब यूनिट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्मॉल सब यूनिट होती है और एक लार्ज सब यूनिट होती है,
हाँ, एक स्मॉल सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कैस्पेज, ये डायग्राम बना हुआ है कैस्पेज का, ये प्रो कैस्पेज 9 है जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है। तो इसके जब कोई भी कैस्पेज, मतलब यहाँ पे तो प्रो कैस्पेज 9 की बात की गई है, जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है तो दो प्रो कैस्पेजेस के में एक स्मॉल, मतलब अगर सपोज एक कैस्पेज की बात करें तो एक कैस्पेज में एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट होती है। तो यहाँ पे ये सपोज कि ये लार्ज सब यूनिट है और ये एक स्मॉल सब यूनिट है। तो इस तरीके से ये स्मॉल और लार्ज सब यूनिट का एक प्रो कैस्पेज होता है। लेकिन जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है तो उस समय दो लार्ज सब यूनिट और दो स्मॉल सब यूनिट जुड़ के इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये एक्टिव कैस्पेजेस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैस्पेजेस इनएक्टिव प्रो कैस्पेजेस होते हैं वो स्प्लिट होते हैं किसमें, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट में। और जब दो सब यूनिट ईच ज्वाइन टू बिकम एक्टिव, मीन्स कि दोनों के स्मॉल सब यूनिट की सपोज कि दो प्रो कैस्पेजेस होंगे इनएक्टिव दो प्रो कैस्पेजेस होंगे, दोनों का एक एक स्मॉल सब यूनिट, एक एक मतलब कि दोनों के पास एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट है, दोनों के स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट इस तरह से ज्वाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक्टिव प्रो कैस्पेज, एक्टिव कैस्पेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये होते हैं कैस्पेज मॉलिक्यूल। और जब ये एक्टिव होते हैं तो अपने ये डाउन स्ट्रीम के कैस्पेजेस को एक्टिव कर देते हैं। मीन्स कि कैस्पेजेस भी दो तरह के होते हैं, अभी हम आगे बताने वाले हैं कि एक इनिशिएट करते हैं एपोप्टोसिस को और एक एग्जीक्यूट करते हैं कि किस तरीके से काम को किया जाएगा। तो एक इनिशिएटर होता है, तो पहले इनिशिएटर को एक्टिव होना होता है। तो इनिशिएटर कैसे एक्टिव हुआ, जब कोई सिग्नलिंग मिला कि भाई अभी एपोप्टोसिस करना है, तो सबसे पहले जो इनिशिएटर प्रो कैस्पेजेस होते हैं वो प्रो कैस्पेजेस से कैस्पेजेस में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि जो एग्जीक्यूट करते हैं एपोप्टोसिस को, फिर वो एक्टिव होते हैं, उनका क्लीवेज होकर वो एक्टिव फॉर्म में आते हैं। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। अब इसके बाद जब वो भी कैस्पेज एक्टिव हो गए तो वो क्या करते हैं, अपने डाउन स्ट्रीम में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको वो, जिन पे वो इफेक्ट करते हैं, जैसे कि लैमिन। लैमिन आपको पता है कि जो न्यूक्लियर पोर या मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूक्लियर पोर के अंदर, जो कि स्टेबलाइज करता है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल नेटवर्क होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे जो कि स्टेबलाइज करता है न्यूक्लियस को। तो लैमिन है, इनको इस तरीके के मॉलिक्यूल को, या गोल्जी बॉडीज हैं, मैट्रिक्स होता है, साइटोस्केलेटन मैट्रिक्स है, डीएनएज है, इनहिबिटर्स है, इन सबको क्या करेगा, इन सबको एक्टिवेट कर देगा अपने डाउनस्ट्रीम मॉलिक्यूल को। और ये सारे चीजें कहाँ इन्वॉल्व होंगी, एपोप्टोसिस के फॉर्म में, क्योंकि भाई एपोप्टोसिस में करना क्या है, डीएनए को कंडेंसेशन करना है, फ्रेगमेंटेशन करना है, फिर एपोप्टोटिक बॉडी बनाना है। तो सारे मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से एक्टिवेट करके आगे के प्रोसेस चलने लगते हैं। अब अगर हम लोग कैस्पेज के बात करें तो आज की डेट में मोर देन 10 कैस्पेजेस, 10 से भी ज्यादा कैस्पेजेस आइडेंटिफाई किए गए हैं। और कैस्पेजेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एपोप्टोटिक कैस्पेजेस, जैसा हमने आपको प्रोग्राम सेल डेथ बताया कि एक एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ होता है और एक नॉन एपोप्टोटिक होता है। एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ वो सेल है जिसमें कि सेल में एपोप्टोसिस होता है, एपोप्टोसोम का फॉर्मेशन होता है उसके थ्रू होता है। और नॉन एपोप्टोटिक में क्या होता है कि वहां पे ऐसा प्रोसेस नहीं होता है, जैसा कि ऑटोफैगी, मींस कि रेगुलेटेड डेथ तो होती है, जैसे नेक्रोसिस में एकदम अचानक से इंजरी हुई और डेथ हुई, लेकिन जो नेक्रोप्टोसिस होता है या ऑटोफैगी होता है, रेगुलेटेड डेथ तो होती है लेकिन एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस नहीं होता है कि वहां पे क्या हो, एपोप्टोटिक बॉडी बने, कंडेंस मींस सेल श्रिंकेज करे, ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। तो इसी तरीके से कैस्पेज भी दो तरह के होते हैं, एक एपोप्टोटिक कैस्पेज होते हैं और एक इन्फ्लेमेटरी कैस्पेजेस होते हैं। तो एपोप्टोटिक जो इन्फ्लेमेटरी कैस्पेजेस होते हैं उसमें जैसे कैस्पेज 1, कैस्पेज 4, कैस्पेज 5, 11, 12 ये होते हैं इन्फ्लेमेटरी कैस्पेजेस। और अगर हम लोग एपोप्टोटिक कैस्पेजेस की बात करें तो यहाँ पे ये होते हैं दो तरह के, एक ऐसे कैस्पेजेस होते हैं जो कि इनिशिएटर का काम करते हैं, मीन्स कि जब एपोप्टोसिस को शुरू होना होता है, इनिशिएट होना होता है, तो सबसे पहले इनिशिएटर कैस्पेजेस काम करते हैं।
तो एक इनिशिएटर की तरह होते हैं और दूसरे होते हैं एग्जीक्यूटर की तरह, मीन्स कि जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो फिर ये अपने डाउन स्ट्रीम कैसपेजेस को एक्टिव करेंगे, जिनको हम लोग एक्ट एज अ एग्जीक्यूशनर मीन्स कि एग्जीक्यूट करेंगे एपोप्टोसिस को। तो उसका एग्जाम्पल होते हैं 3, 6, 7। तो आपको याद रखना है कि इनिशिएटर का एग्जाम्पल होता है 8, 9, 10, 2 एंड एग्जीक्यूटर जो कैसपेजेस होते हैं उनका वो होते हैं कैसपेज 3, 6 एंड 7। तो ये हैं कैसपेजेस, कैसपेजेस के बारे में हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एपोप्टोसिस में कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं। तो एपोप्टोसिस में जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है वो BCL2 फैमिली की से रिलेटेड होती है। BCL2 फैमिली को BCL2 इसलिए कहा गया क्योंकि बी लिम्फोमा या बी ल्यूकेमिया के नाम से इसका नाम रखा गया, बट आपको इससे मतलब नहीं है। मीन्स कि एपोप्टोटिक जो एपोप्टोसिस में प्रोटीन इन्वॉल्व होती है वो दो तरह की होती है, एक एंटी एपोप्टोटिक और दूसरी प्रो एपोप्टोटिक, लेकिन दोनों ही सेम फैमिली को बिलोंग करती हैं। प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक, एक एपोप्टोसिस को रोक रहा है और एक एपोप्टोसिस को प्रमोट कर रहा है, लेकिन दोनों ही केस में जो बिलोंग करती हैं सेम फैमिली को बिलोंग करती हैं, BCL2 फैमिली को, ये आपको ध्यान रखना है। एंटी एपोप्टोटिक में एक प्रोटीन ऐसी होती है जिसका इट्सेल्फ नाम होता है BCL2। अभी आपको क्या याद रखना है कि प्रोटीन जितनी भी इन्वॉल्व होती है एपोप्टोसिस में वो BCL2 फैमिली को बिलोंग करती हैं। BCL2 फैमिली को बिलोंग करती दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं, एक एपोप्टोसिस को इनहिबिट करते हैं। तो एंटी एपोप्टोटिक जो एपोप्टोसिस को रोकते हैं वो कौन कौन से हैं, BCL2 और BCL-XL, मीन्स की BCL2 फैमिली में ही एंटी एपोप्टोटिक में इटसेल्फ एक प्रोटीन का नाम BCL2 है और दूसरी प्रोटीन का नाम है BCL-XL। और अगर हम लोग प्रो एपोप्टोटिक की बात करें जो कि एपोप्टोसिस को इनिशिएट करने में काम कर रहा है, तो उसमें एग्जांपल है बैक्स, बैट, बिक, बिट, नॉक्सा, पोमा, बिम। तो ये सारे प्रोटीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बताएंगे जो भी पाथवे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।